દિલ્હીમાં બુધવારે સાંજે મુશળધાર વરસાદથી અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ. હવામાન વિભાગના આંકડા પ્રમાણે સાંજે 5:30 વાગ્યાથી 8:30 વાગ્યા સુધીમાં સફદરગંજમાં 3.5 ઇંચ, પાલમ કેન્દ્ર પર 2.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો, જ્યારે સાંજે 6:30 વાગ્યાથી 9:30 વાગ્યા સુધીમાં મયુર વિહારમાં 5 ઇંચ અને લોદી રોડ ઉપર 3.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો, જેને લઈને માનસિંહ રોડ અને મિન્ટ રોડ સ્થિત ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ. એટલું જ નહીં, સાંજના સમયે અનેક વાહન ચાલકો લાંબા ટ્રાફિક જામમાં પણ અટવાયા. આ તરફ વરસાદના કારણે હવાઈ સેવાને પણ અસર થઈ, 10 ફ્લાઇટ ડાયવર્ટ કરવાની ફરજ પડી, જ્યારે આજે સ્કૂલ બંધ રાખવાનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો. દિલ્હીના શિક્ષણ મંત્રી આતિશે સ્કૂલ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરી. कुछ घंटों की बारिश और दिल्ली पूरी तरह से अस्त व्यस्त. मैं दिल्ली का इस वक्त प्राइम इलाका आईटीओ आपको दिखा रही हूँ. बीती रात आपको बताएं, बारिश के कारण यहाँ पर जल सैलाब देखा गया. कई घंटों के जाम को जूझ कर लोग अपने घर पहुंचे. और फिलहाल तस्वीरें क्या है, कुछ घंटों से बारिश रुकी है, हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जो जल जमाव था अब उसकी स्थिति क्या है, वो ताजा स्थिति दिखाने के लिए मैं आपको यहां पर पहुंच गई हूं आईटीओ में. और मुख्य सड़क का जो पानी है वो निकालकर अब लिंक रोड में डाला जा रहा है. मशीन देखिए, प्रशासन की तरफ से ये मोटर लगाया गया है, ये मशीन लगाई गई है, और कितनी तेजी से इसमें पानी आ रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए. जो रात से काम कर रहे हैं ये कर्मचारी भी आपको दिखाई देंगे. और ये पूरी सड़क यानी कि पूरी लिंक रोड इस वक्त पानी से भर गई है. ये वो पानी है जो मेन रोड से निकालकर लिंक रोड पर डाला जा रहा है. पर क्या ये समाधान है, क्योंकि यहां से भी बड़ी संख्या में गाड़ियां तब गुजरती हैं जब यहां पर ऑफिस का टाइम शुरू हो जाता है. और अब से बस कुछ ही देर में ऑफिस का वक्त शुरू हो रहा है, जैसे कि लगातार गाड़ियां देखी जा सकती हैं. क्या कारण है इसका बड़ा, ये भी देख सकते हैं. हमने हर साल आईटीओ की तस्वीरें देखी हैं, चाहे वो बाढ़ का वक्त हो या ऐसा वक्त हो जब कुछ घंटों की बारिश होती है. ऐसी नालियां आपको दिखाई देंगी लेकिन ड्रेनेज पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है, इनकी सफाई नहीं हुई है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीबन 3 साल पहले यहां पर सफाई हुई थी, लेकिन 3 साल के बाद कोई ड्रेनेज को लेकर सफाई नहीं हुई है. जो फुटपाथ है फुटपाथ पर भी ड्रेनेज को लेकर कोई सफाई नहीं हुई है. जगह जगह जो रेलिंग्स हुआ करती थी उसे हटाकर पक्का फुटपाथ बना दिया गया है, लिहाजा जो बाहर पानी जमा हो जाता है उसके लिए कोई निकासी नहीं है. देखिए गाड़ियां बड़ी संख्या में आपको शुरू होती हुई नजर आएंगी और हम कोशिश करेंगे आपको सड़क के उस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं. इधर का पानी प्रशासन ने खाली कर दिया है और अब आप तस्वीरें देखिए दूसरी तरफ की. देखिए यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि कोई सैलाब है, कोई यहाँ पर कोई नदी चल रही है, लेकिन यकीन मानिए ये आईटीओ की मुख्य रोड है और ये दिल्ली के बाहर जाने वाली यानी कि आश्रम की तरफ जाने वाली, गाजियाबाद की तरफ जाने वाली, राजघाट की तरफ जाने वाली सड़क है, जहाँ पर अमूमन बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में 24 घंटे में जो गाड़ियां हैं उनका आवागमन होता है, आवाजाही होती है. और अब देखिए इस कोने से यानी कि केवल एक लेन से जो गाड़ियां हैं वो निकलने के लिए मजबूर हो, छोटी गाड़ियां हैं या बड़ी बसेस हो, इस कोने से निकल रही हैं क्योंकि बाकी पूरी सड़क पानी में डूबी हुई नजर आ रही है. और जो पानी का स्तर है वो कहीं ज्यादा हो सकता है, जैसा कि आपको बस स्टॉप पर भी नजर आएगा. आप तस्वीरें देखिए, हम आपको बस स्टॉप की तस्वीर दिखाते हैं. उसकी जो कुर्सियां बनी हुई है बस स्टॉप की, उस कुर्सियों के पास तक पानी पहुंचने वाला है. और ये हाल तब है जब बारिश कई घंटों से अब रुकी हुई है. ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश हो रही है, रात को बारिश हुई थी उसके बाद हल्की बारिश होती रही है और अब कुछ घंटे हो गए हैं जब पूरी तरह से बारिश रुक गई है. और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रही हूँ बारिश रुकने के बाद, लेकिन ये जो पानी है इसकी निकासी कोई नहीं है, क्योंकि ये पानी जाएगा कहाँ. ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो जगह बनी हुई थी उनकी सफाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई तो इस पानी के जाने के लिए कोई निकासी नहीं है. जिस तरह से प्रशासन के द्वारा इस सड़क को खाली किया गया है और पानी निकालकर मोटर के जरिए दूसरी सड़क पर डाला गया है, उसी तरह से इस सड़क का पानी भी प्रशासन को निकाल कर जद्दोजहद करके डालना पड़ेगा. लेकिन ऐसे में जब ऑफिस का टाइम शुरू हो रहा है, बड़ी संख्या में गाड़ियों के आने की शुरुआत होने वाली है, तो आखिर ये पानी कैसे भरा रहेगा, क्योंकि आगे चलते कुछ ही घंटों में यहाँ पर भारी भरकम जाम दिखाई दे सकता है, जैसा कि बीती रात को दिखाई दिया था. कैमरामैन अश्विनी के साथ आजादिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली.